नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल में और मैं हूँ मीनाक्षी शर्मा। दर्शकों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि आजकल हर दूसरे व्यक्ति के पास गमछा होता है। गमछा सामाजिक रूप से एक महत्वपूर्ण परिधान है, क्योंकि यह अपने आकार और व्यवहार से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बदल देता है। इतना ही नहीं, गमछे का उपयोग कोरोना काल में मास्क का काम भी कर रहा है। ऐसे में गमछा एक पारंपरिक परिधान है और एक बहुउपयोगी वस्त्र भी है। जानना चाहोगी कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। हम अपने परंपरागत मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत के लिहाज से देखें तो हमारे पास जीवन मूल्यों का खजाना है, जो न केवल हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है बल्कि हमारा जीवन भी आसान बनाता है। उदाहरण के लिए गमछा या अंगोछा हमारा पारंपरिक परिधान है, जो कि बहुउपयोगी वस्त्र है। आजकल गमछा कोरोना से बचने के लिए मास्क के रूप में भी काम आ रहा है, लेकिन इस कोरोना महामारी ने एक बात तो साबित कर दी कि हमारी परंपरा और प्रकृति कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारी समृद्ध परंपरा ने हमें नमस्कार करना सिखाया है, जो कि हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा है, और कोरोना में वायरस से बचने के लिए तो पूरी दुनिया ही आजकल नमस्ते कर रही है। हमारे बुजुर्ग तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। यदि मनुष्य प्रकृति के काम में अंधाधुंध हस्तक्षेप करता है तो प्रकृति अपना बदला जरूर लेती है, जो आज हम कोरोना वायरस के रूप में देख रहे हैं। गमछे से आप हाथ धोने के बाद अपने हाथ पोंछ लेते हैं और चेहरे पर पसीना आने के बाद उसे भी पोंछ सकते हैं। धूप और गर्मी में सर पर लपेट सकते हैं और ठंड में आप कान और कनपट्टी पर लपेट कर सर्दी से भी बच सकते हैं। गमछा एक छोटा मोटा घर है। आपने फल और सब्जी खरीदे तो आप गमछे में लपेट कर थैले की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने तो देखा ही होगा कि आजकल उसी को मास्क खरीदने की जरूरत पड़ रही है जो गमछे का इस्तेमाल नहीं करता। सनातन पद्धति के तहत हमारे गमछे का जो है वो विशेष महत्व था। हमारी संस्कृति के तहत सिर में पुराने हमारे पूर्वज बुजुर्ग वो पगड़ी बांधा करते थे और उनके कंधे में हमेशा गमछा होता था। इस गमछे का इस्तेमाल जो है वो हाथ साफ कर हाथ धोने के बाद साफ करने के काम भी आता था, पसीना आ जाता था, पसीना पोंछने के काम आता था, सर्दियों में जब सर्दी लगती थी तो गला ढांपने के काम आता था। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारा गमछा है, फिर एक बार उसका जो है उपयोग होना शुरू हुआ है। माननीय सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गमछे को पुनः एक बार जीवित किया है तथा अब ये गमछा जो है वो कोरोना को रोकने में सहायक सिद्ध हो रहा है। आज प्रत्येक दुकान पे प्रत्येक व्यक्ति के पास वो गमछा नजर आ रहा है और उस गमछे के तहत अगर नजर दौड़ाई जाए तो हमारी उस प्राचीन सनातन संस्कृति का जो है वो साक्षात्कार दर्शन हो रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। गमछा सामाजिक रूप से एक महत्वपूर्ण परिधान है, क्योंकि यह अपने आकार और व्यवहार से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बदल देता है। लॉकडाउन 3 की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो संदेश राष्ट्र के नाम जारी किया, उसमें उन्होंने अपने चेहरे पर गमछा लपेट रखा था। प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे थे कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास एक पारंपरिक हथियार है। जी हाँ, वो गमछे की ही बात कर रहे थे। उनमें इस प्रतीकात्मक आचरण ने समाज के ग्रामीण इलाकों को मास्क के बाजारू चंगुल से मुक्त कराने के साथ साथ अपनी पारंपरिक और स्वाभाविक जीवन शैली के प्रति एक नए विश्वास और सम्मान का संचार किया है। आजकल गमछा एक रिवाज बन रहा है। हरे बुजुर्ग पहले जमाने में से 30-40-50 वर्ष पहले बुजुर्ग लोग साफा और गमछा हमेशा अपने साथ रखते थे और एक शान सूत्र ये समझा जाता था कि गमछा और साफा लगाने बड़ी बड़ी शान है। परंतु आज के युग में नरेंद्र मोदी जी ने जो गमछा शुरू किया है, एक रोल मॉडल बन गया है कि दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री सारी दुनिया के अंदर एक सब नेताओं के एक रोल मॉडल है। जैसा वो करते हैं सारी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। मतलब आज की परिस्थिति में देखा जाए, लॉकडाउन शुरू हुआ,
मोदी जी ने पहले लॉकडाउन शुरू किया, उसके बाद दुनिया ने उनको फॉलो किया। गमछे को भारत के हर राज्य और कई एशियाई देश में लोग अलग अलग ढंग से उपयोग में लाते हैं, लेकिन पूर्वांचल और बिहार में यह लोक जीवन का एक अभिन्न अंग है। कोरोना महामारी के बाद तो इसकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे नाजुक वक्त में गमछा ही है जो धूप, लू और प्रदूषण के साथ साथ वायरस से भी बचा रहा है। इन दिनों लोग मास्क के विकल्प के रूप में गमछे का उपयोग कर रहे हैं।